Hi everyone, my name is Saurav. Welcome back in my channel The Unity and I am your host and host Saurav. Finally, मेरे पास बहुत सारे DM आ रहे थे और मैंने जब सजेशन मांगी कि किस चीज़ के ऊपर वीडियो आनी चाहिए तो मेरे प्यारे व्यूवर्स ने मेरे को बताया कि शर्ट्स के ऊपर आनी चाहिए कि हम शर्ट्स को कैसे स्टाइल करें, ऑफिस के लिए कौन सी शर्ट होती है, पार्टीज़ के लिए कौन सी शर्ट होती है और शर्ट इतनी एक्सपेंसिव होती है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर आपको क्लासी और सेक्सी दिखना है तो उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि तीन ऐसी शर्टें बताऊंगा, अगर आपको आपके पास वो तीन शर्ट है ना तो आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है। पहली है ब्लैक कलर की शर्ट, सेकंड वाइट कलर की शर्ट और थर्ड है ब्लू, लाइट ब्लू, ठीक है। क्योंकि ये तीनों चीज़ें तीनों शर्ट ऐसी होती है जो समर्स में और विंटर्स में बिल्कुल क्लासी लुक देती हैं। अगर आपके पास ये तीन शर्ट हैं आप कम से कम भी कोशिश करिए कि 1500-1300-1400 रुपए की अच्छी शर्ट आ जाती है। मैं मेरे भाई इस बात से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना कि अगर आप 300-400 की शर्ट ले रहे हैं तो उस हिसाब से उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत कम होती है ना। अगर आपको अच्छी शर्ट चाहिए, अगर आपको अच्छा क्लास दिखना है, अगर आपको अच्छा काम करिए ना, आप ना पैसे थोड़ा सा इन्वेस्ट करें लेकिन अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करना ताकि कल को आप कहीं पे जाएं, पार्टीज में जाएं तो वो आपको एक अच्छा सा लुक दे, है ना। सो मेरे पास बहुत सारे DMs आ रहे थे कि भैया अगर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें किस तरीके की शर्ट डालनी चाहिए और किस तरीके की नहीं डालनी चाहिए, ऑफिस के अंदर क्या चीज़ें नोटिस होती हैं। आप सबको पता है फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन, अगर आप इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आप कैसे इंप्रेस करें, सबसे पहले वो आपको देख के जज करते हैं कि आप कैसे देख रहे होते हैं। दो तरह की शर्ट होती है, एक होती है पैटर्न, एक होती है स्मॉल पैटर्न। बिग पैटर्न के अंदर क्या होता है कि जो आपकी लाइंस वाली शर्ट होती है जिनके अंदर आपको पता होगा जो धारी धारी होती है, जो लाइंस होती हैं जिन शर्ट के अंदर, जिनके अंदर बॉक्स बॉक्स होते हैं। स्मॉल पैटर्न होते हैं कि जो बॉक्सेस होते हैं लेकिन वो बहुत स्मॉल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये शर्ट डाल रखी है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, है ना, अभी इसके अंदर बिल्कुल प्लेन है ये, लेकिन इसके अंदर कुछ डॉट डॉट्स होते हैं, कुछ डिजाइन होते हैं, वो छोटे होते हैं, उसको बोलते हैं स्मॉल पैटर्न, और जो बड़े होते हैं उसको बोलते हैं बिग पैटर्न, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि जब भी आप ऑफिस में जाओ, ठीक है, या जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल एक तो प्लेन शर्ट डालनी है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन शर्ट डालनी है, और सेकंड आपको करना क्या है, आपको डॉट डॉट वाली नहीं डालनी है, ठीक है। आप फॉर्मल्स के अंदर डाल सकते हो, जैसे वाइट शर्ट होगी, ब्लैक शर्ट होगी, ग्रे शर्ट होगी। और हमेशा याद रखिए जब भी आप ऑफिस में जाते हो या जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो हमेशा लाइट कलर की शर्ट डालनी चाहिए। उससे होता है क्या है कि आप ना ज़्यादा भड़कीले नहीं दिखते, आप ना ज़्यादा ओवर नहीं दिखते, है ना। लाइट इज़ अ बिल्कुल सिंपल, ठीक। ऑफिस में जाते हो तो सबसे पहले वो आपको देख के जज करते हैं कि भाई ये बंदा कैसा, इसका ड्रेसिंग सेंस कैसा, इसकी शर्ट कैसे, आप में कॉन्फिडेंस कितना है ना। दूसरी बात, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आपको है ना कोई एक्टिविटी करती रहनी है, जैसे जिमिंग होगी, कोई गेम होगा, इससे क्या होगा आपका फिजिक अच्छा होगा। जैसे जब भी कोई आप शर्ट डालोगे तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, डालिए। और जब भी आप शर्ट डालते हैं तो शर्ट को प्रेस करके डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो इस बात को अवॉइड करते हैं ना कि मतलब किसी ने बुला लिया तो चलो डाल के ऐसे चल दिए, शर्ट को प्रेस करिए। और जो आपकी एक कॉलर होती है, जो कॉलर होती है, कॉलर के अंदर एक बटन होता है यहाँ पे, इसको बिल्कुल जॉइंट करके रखना है ना। अगर आप इसको जॉइंट करके रखोगे तो ये आपके क्लासी लुक में आता है। और दूसरी बात, इससे ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और जब भी आप जीन्स होती है उसको उसका जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क हो और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जो शर्ट होती है उसका कलर लाइट हो, ठीक है। दूसरी बात, लड़कियों को वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं होते जिनके बड़े बड़े बाइसेप्स होते हैं, ट्राइसेप्स होते हैं, है ना, और जो मतलब जरूर से ज़्यादा ओवर होते हैं ना, लड़कियों को ज़्यादा पतले, लड़कियों को पसंद होते हैं जो मस्कुलरिटी सी बॉडी हो, अच्छा फिट हो, अच्छा दिखे लड़का। सेकेंड थिंग, जब भी आप लड़कियों के साथ जाते हो तो कई बंदे चेस्ट को बाहर निकाल के चलते हैं, वो सबसे गलत होता है। बिल्कुल नॉर्मल चलो, मतलब थोड़ा सा हल्का सा बाहर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जा रहे हो तो आप शर्ट को फोल्ड कर सकते हो, है ना। शर्ट को फोल्ड करने का एक तरीका होता है, क्या करिए कि ना जो आपका कफ होता है, कफ को थोड़ा सा फोल्ड करके इसको कोहनी से बिल्कुल जस्ट ऊपर, या जो हमारा हाथ का जो बीच वाला पोर्शन होता है यहाँ तक रखें, ठीक है।
इससे थोड़ा ना बंदा सेक्सी सा लगता है और एक क्लास ही लगता है ना, दैट्स इट। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे पास, जब भी ग्रे कलर की अगर मैं कोई शर्ट डाल के जाता हूँ ना, तो भाई उससे उसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है लड़कियों के सामने और लड़कों के सामने, क्योंकि है ना वो एक क्लासी सा लुक देता है। और डिपेंड करता है कि ना यार आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। मैं आज आपको बता दूँ कि पैंट के बारे में, जो फॉर्मल पैंट्स होती हैं उनके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है फॉर्मल पैंट्स के अंदर। जब भी आप ऑफिस के अंदर जाते हैं, तो आपके पास ब्लैक पैंट, लाइट ग्रीन, नेवी ब्लू, ग्रे कलर, और कोशिश करिए कि यार ज़्यादा है ना फैंसी मत डालिए। जैसे होते कई बंदे होते हैं जो है ना स्ट्रेचबल वाली पैंट डालते, ये बिल्कुल मत डालें, बिल्कुल फॉर्मल डालें जिससे आपको क्लासी सा लुक आए। और ये चीज़ बहुत बैड इंप्रेशन होता है जब भी आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाते हो, दिल्ली जैसे शहर, चंडीगढ़ जैसे शहर में आप जाते हो या बैंगलोर जैसे शहर में जाते हो, अगर ऑफिस के अंदर जाते हो, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड होते हैं ना, हाई स्टैंडर्ड इन द सेंस कि जो वहाँ की ऑफिस की बात करो, मैं वहाँ के मतलब और एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ के ऑफिस के बंदे होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं। और कोशिश करिए कि आप है ना कैजुअल कपड़े मत डालिए, क्योंकि यार कैजुअल, सीरियसली बता रहा हूँ यार, बहुत सी जगह होती है ऑफिस के अंदर कैजुअल होता है कि जहाँ पे कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं होती कि भाई आपको फॉर्मल डाल के आने या सेमी फॉर्मल डाल के आने या कैजुअल डाल के आने। आप कोशिश करिए कि आप है ना ऑफिस में जब भी जाओ, इंटरव्यू में जब भी जाओ, आप हमेशा सिंपल कपड़े डाल लें, बिल्कुल सिंपल। बिकॉज इससे होता क्या है, एक तो इम्प्रेशन पड़ता है और एक आपके ना अलग से इमेज सेट हो जाती है ऑफिस के अंदर कि हाँ भाई वो लड़का जो आता है उसका लुक सीरियसली में अच्छा है, वो बहुत सेंसेबल है, वो बहुत एक्टिव है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है। चीज़ें इन बातों का मतलब हर चीज़, अगर आप पहनते हो, आप चलते हो, आप वो करते हो, हर चीज़ का एक मतलब होता है। हर चीज़ आपके ड्रेसिंग सेंस में आती है, आपके लाइफस्टाइल में आती है, आपके आपके ड्रेसिंग सेंस से आप पता चल जाता है कि आप किस तरीके के इंसान हो ना, दैट्स इट। हे गाइस, आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो जिसको इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।